want justice. We want justice. Ek do teen chaar. Ek do teen chaar. Band karaye atyachar. Band karaye atyachar. Band karaye atyachar. Band karaye atyachar. Justice. Justice. We want justice. Tera aa jayenge. जस्टिस खाली अग्न नहीं जाएगा मैं बिल्कुल बोलूंगी कि हाँ जैसे निर्भया का केस हुआ था वहाँ पर जस्टिस मिलने में बहुत टाइम लग गया था सालों लग गए थे एक मुजरिम को सज़ा मिलने में एक नहीं वहाँ पे 7-8 लोग थे उनको सज़ा मिलने में उसके बाद वो लॉ जो एक नाबालिग को छोड़ रहा है कि उसने रेप किया है बट वो नाबालिग है अगर वो नाबालिग है तो वो रेप कैसे कर सकता है वो सोच कैसे सकता है वो एक बच्चा है तो वो कैसे सोच सकता है रेप के लिए वो बच्चा नहीं था उसने रेप किया था उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी बट उसे छोड़ दिया गया था ये एक आज के ये जो छोड़ा गया था ना ये एक मतलब बाकी सबके लिए एक मिसाल थी कि उसने रेप किया और उसे छोड़ दिया गया उससे बचा लिया गया और बाकी लोग जिन्हें सज़ा दी गई उन्हें कितने साल लगा दिया सज़ा बहुत साल लगा दिया हमारी जस्टिस में इतना टाइम क्यों लगता है कि जो गलत करता है उन्हें सज़ा मिलने में इतने साल लगते हैं मैं डिमांड करती हूँ कि जो अभी पकड़े गया है पहले तो उसकी कोई स्टेटमेंट ही नहीं आई सिर्फ एक स्टेटमेंट आई कि मैंने मर्डर किया है मैंने उसका रेप किया है मुझे फांसी दे दो ठीक है अभी जो रेपिस्ट है उनको तो मौत का खौफ भी नहीं है ना मैं डिमांड करती हूँ कि ना खौफ के लिए स्ट्रिक्ट करने चाहिए लॉज कि एक लड़का अगर किसी लड़की के साथ गलत करने के लिए सोचता है ना तो सबसे पहले वो अपने साथ क्या होगा अगर वो पकड़ा जाएगा उसके साथ क्या होगा वो उस चीज़ से खौफ वो कांप जाए कि उसके साथ क्या होगा जो लड़के हैं जो रेपिस्ट हैं उनके लिए लॉज स्ट्रिक्ट हों जो लॉज हैं उन्हें चेंज हो सालों साल ना लगे ऐसे इंसान को सज़ा देने के लिए पहले तो पकड़ने के बाद अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं मिला और उसके बाद जो ऐसा दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं जो करते हैं उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता वो लड़की को अंदर तक फाड़ देते हैं उनके सब कुछ बाहर निकाल देते हैं उनकी बॉडी को तोड़ देते हैं कुछ नहीं बचता उनके अंदर उसके बावजूद भी उन्हें सिर्फ लटकाने के लिए बोला जाता है और उसको बोलने के लिए उसके बाद उसको करने के लिए उन्हें कितने साल लग जाते हैं क्यों इतने साल लगते हैं उनके लॉज को स्ट्रिक्ट होना चाहिए जो इंसान गलत करने की कोशिश करता है जो गलत करता है उनके प्राइवेट पार्ट्स कट होने चाहिए जो एक लड़की को टच करता है जो गलत करने की कोशिश करता है जो अपने हाथ लगाता है उनके हाथ काट देने चाहिए जो एक लड़की के कपड़े खोलकर उन्हें देखने की कोशिश करते हैं उनकी आंखें निकाल देनी चाहिए अभी इन लॉज को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है ताकि जो एक रेपिस्ट है वो कुछ करने से पहले हज़ार बार सोचे कि लॉज को चेंज किया गया है मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से ये डिमांड करती हूँ रिक्वेस्ट करती हूँ पूरी इंडिया की लड़कियों की तरफ से हर किसी की तरफ से कि लॉज को स्ट्रिक्ट किया जाए लॉज को चेंज किया जाए जस्टिस जल्दी से जल्दी दिया जाए और सारे लोगों को पकड़ा जाए थैंक यू